मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की 5 साल पहले आई फिल्म एवेंजर्स एंडगेम ने दिखाया था कि हॉलीवुड फिल्मों, खासकर सुपर हीरो फिल्मों को लेकर इंडियन जनता कितनी क्रेजी है। पहले ही दिन ये फिल्म देखने की धुन ऑडियंस पर इस कदर सवार थी कि कितने ही थिएटर्स फिल्म रिलीज के पहले दिन लगभग 24 घंटे खुले रहे। लॉकडाउन के बाद से एमसीयू में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे पुराने और पॉपुलर हीरोज का जाना और कहानी में मल्टीवर्स के एंगल का आना ऑडियंस को पहले की तरह अपील नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स के नए सुपर हीरोज से जनता का प्यार भी पहले की तरह पक्का नहीं रहा। इन्हीं वजहों से लॉकडाउन के बाद एमसीयू की चमक सिर्फ ग्लोबल ऑडियंस में ही नहीं बल्कि इंडियन ऑडियंस में धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। लेकिन अब एमसीयू की नई फिल्में डेडपूल एंड वुल्वरीन ने इंडिया में अपने फैंस को फिर से जगा दिया। फिल्म के सभी ट्रेलर्स को इंडिया में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और अब एडवांस बुकिंग बता रही है कि शुक्रवार रिलीज हो रही डेडपूल एंड वुल्वरीन 2024 में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने जा रही है। एमसीयू में रायन रोनाल्ड्स का किरदार डेडपूल और ह्यूग जैकमैन का किरदार इंडियन जनता में बहुत पॉपुलर है। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन में इनका साथ आना थिएटर्स में धमाका करने वाला है। फिल्म की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि ये धांसू ओपनिंग के साथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। ट्रेड रिपोर्ट्स बताती है कि बुधवार तक नेशनल सिनेमा चेन्स पीवीआर आईनॉक्स और सिनेमापोलिस में फिल्म में लगभग 1.25 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि गुरुवार का दिन खत्म होने के तय आंकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। लॉकडाउन के बाद हाई हॉलीवुड की फिल्मों के हिसाब से डेडपूल एंड वुल्वरीन के नेशनल चेन्स में बुकिंग थर्ड फोर्थ और ओपनहाइमर को टक्कर दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म क्या कमाल कर दिखा पाती है। आप कितने एक्साइटेड हैं अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए 100 न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।